गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ बहुत अजीब लग रही है, दैट्स बिकॉज आई एम इन वॉशरूम एंड इको कर रही है इस टाइम पे आवाज़। सो आई थॉट टू शेयर विद यू गाइस माय नाइट टाइम लाइक स्किन केयर एंड एज अ होल लाइक नाइट टाइम रूटीन जस्ट बिफोर गोइंग टू बेड। दीज आर द थिंग्स विच आई यूजली डू एंड लाइक द स्किन केयर थिंग्स विच आई एम फॉलोइंग एंड दिस हैज़ लाइक इम्प्रूव्ड माई स्किन अ लॉट फ्रॉम बट येस आई हैव बीन फॉलोइंग दीज थिंग्स फ्रॉम पास्ट टू ईयर्स। सम प्रोडक्ट्स लाइक कुछ कुछ चेंज हुए हैं बट अदरवाइज मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर प्रिटी मच लाइक आई एम यूजिंग फ्रॉम पास्ट टू ईयर्स। सो येस, सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। So first of all, I'm gonna clean my face with this micellar water. Like I have makeup on my eyes and lips and everything. And for removing the makeup, I'm using these cotton pads by Miu. These are like 100% cotton pads. So I don't use wipes because they are not like environment friendly. So I don't use that much like foundation and other things, तो as such मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, but in case कभी भी मैं वो सब use करती हूँ तो I'm gonna put a picture and the description of that product जो मैं use करती हूँ clean करने के लिए। It is basically from the same range जिसका ये face wash है Price Water Bright। ये face wash is my favorite and I've been using it from past 2 years and मुझे ऐसा लगता है ये तीसरी या शायद चौथी वीडियो है जिसमें मैंने इसके बारे में बताया है। It's by Face Shop and this is their Rice Water Bright range. This is really good in case you guys have oily skin. So I've been using this from past 2 years and literally I don't feel like changing it at all. This is working pretty good for me. फेस को नाउ जस्ट आफ्टर क्लीनिंग माय फेस आई यूज दिस मॉइस्चराइजिंग टोनर। सो बेसिकली दिस इज फ्रॉम अगेन माय फेस शॉप एंड दिस इज दिस राइस सेरामाइड रेंज। दिस इज बेसिकली अ मॉइस्चराइजिंग टोनर सो इट इज़ नॉट लाइक कम्प्लीटली वाटर बेस्ड। इसको लगाने के टाइम पे यू विल फील लाइक थोड़ा सा लाइक मॉइस्चरी क्रीमिंग टेक्स्चर, जो क्रीमी टेक्स्चर होता है वैसा कुछ है इसका, दो आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ इट। मैंने अभी ये रिसेंटली मंगाया, दैट्स वाई ये बहुत ही कम यूज़ हुआ है। और इससे पहले आई वॉज यूजिंग बॉडी शॉप का टी ट्री ऑयल वाला विच वॉज लाइक ऑयल कंट्रोल वन, तो वो बहुत अच्छा मेरे लिए वर्क कर रहा था बट देन आई थॉट टू गिव इट दिस वन अ ट्राई, सो इसलिए मैंने ये ऑर्डर कर। सो आई जस्ट टेक फ्यू ड्रॉप्स ऑन माई फिंगर्स ओनली एंड देन वॉट आई डू, आई डोंट यूज अ कॉटन पैड और समथिंग, आई जस्ट डैब इट ऑन माई स्किन इस टाइप से, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है टोनर या किसी भी चीज़ को यू नो कॉटन पे लगाने से आई डोंट नो आई फील अ काइंड ऑफ इचीनेस, और मुझे ऐसा लगता है कि जो सारा जो चीज़ होता है वो सारा एब्जॉर्ब हो जाता है कॉटन पैड में ही। सो इट्स बेटर कि आप अपना फिंगर्स यूज़ करिए, अपना हैंड यूज़ करिए एंड मेक श्योर कि आपका हाथ एकदम क्लीन हो बिफोर यू नो यूजिंग इट ऑन योर फेस। सो यू एंड क्विकली, बट गुड थिंग अबाउट दिस वन इज ये क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है आपके स्किन में, लाइक मॉइस्चराइजिंग टोनर है बट ऐसा कुछ अजीब नहीं फील होगा। एंड राइट नाउ विंटर्स हैं तो इट इज़ क्वाइट अ गुड टोनर आई गेस ऑयली स्किन के लिए भी, बट अगर आपकी ड्राई स्किन है देन आई वुड हाईली रिकमेंड दिस वन। So now the next thing which I use is this serum. This is by L'Occitane. This is Immortal Reset Serum and this is
the one I'm using and काफी खत्म हो चुका है. Like I have used like almost like खत्म होने ही वाला है. Maybe एक month और चलेगा. Then I'm gonna restock this one only because मेरे को ये बहुत अच्छा लग रहा है. I just use 2 pumps of this one. इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती है. And same thing, just quickly gonna you know rub between my fingers and apply it like that. So the next thing I'm using is this eye cream by Etude House. This is their Moistful Collagen Eye Cream and I have been using it from quite a long time. But अभी तक खत्म, like खत्म तो छोड़ो, मतलब बहुत ही कम use हुई है. So obviously बहुत ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं होती है, थोड़ा सा लेना होता है. It is quite hydrating और बहुत moisturizing है. It is one of like जो thick creams होती है ना, वैसा कुछ है. Now I'm gonna take थोड़ा सा और ऐसे करके I'm gonna put on my fingers and just you know rotate my fingers in this direction just to make sure कि जो blood flow है, blood circulation है, वो improve हो रहा है. Honestly guys, I have never seen eye cream which works good on dark circles. But yes, क्योंकि मेरे भी dark circles हैं और as such कोई improvement मुझे किसी भी cream से, like I have used like 3-4 eye creams, but as such कभी भी कोई बहुत ज़्यादा difference नहीं दिखा है. But yes, to keep your like skin hydrated, I think this is quite a good cream. So the next thing I'm using is this moisturizer. This is by again L'Occitane और ये L'Occitane का gel ultra thirst quenching gel है. And in case you are someone who belongs to oily skin family, then I would highly suggest you to use water based moisturizer rather than you know जो proper आपका cream based होते हैं. And this is how the consistency looks like. ये बिल्कुल like water based transparent है and it's really good for your skin as well. और अगर आपका sensitive skin है, then also it's quite a good moisturizer. Okay, last thing for my face actually is this cream by Laneige and this is their lip sleeping mask. अगर कभी कभी बहुत ज़्यादा hydrated हो जाए, hydrating हो जाता है ये, then I use a normal like Nivea का lip balm. But अभी सर्दियों की वजह से होंठ बहुत ज़्यादा फट रहे हैं, so I'll use this one. Okay, फेस के लिए यही सब चीज़ें होती हैं, but we usually tend to forget about our feet and hands और ये सब. तो rather than सुबह इतना टाइम होता नहीं है, तो मैं ये मॉइस्चराइज़र रात में यूज़ करती हूँ. So I've been using this moisturizer by Bath & Body Works. This is Pink Lily and Bamboo Body Lotion and as you guys can see काफ़ी ख़त्म हो चुका है. इसका स्मेल इज रियली गुड एंड आई जस्ट अप्लाई इट ऑन माई हैंड्स. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई रियली लव टू यू नो स्मेल ग्रेट एट नाइट एज वेल. तो मैं ये पिंक लिली एंड बैम्बू का बॉडी मिस्ट यूज़ करती हूँ. आई जस्ट स्प्रे फ्यू पम्प्स एंड अच्छा लगता है रात में यू नो अच्छा स्मेल करना. सो आई जस्ट a few pumps and that is it. Iske alawa there is one more product which I would highly recommend you guys. गाइज़ हम लोग जनरली अपना फेस का ध्यान रखते हैं, अपने हाथों का ध्यान रखते हैं, बट हम लोग हमेशा अपने फीट को, फुट को भी लाइक केयर नहीं करते हैं. बट ऑनेस्टली अगर लाइक इफ़ यू हैव लाइक क्रैक्ड फीट, देन आई वुड हाईली सजेस्ट दिस प्रोडक्ट. दिस इज़ बाय बाथ एंड बॉडी वर्क्स एंड दिस इज़ देयर फुट फिक्स ग्लाइकोलिक एसिड पीलिंग. ओके, बाकी सब किसी और लैंग्वेज में लिखा है. ट्रीटमेंट्स ऑब्वियसली एंड लुक एट दिस, लाइक द टब इज ऑलमोस्ट एम्प्टी. और ये मैंने मतलब एक साल हो गया है, बीच में मैंने इसको छोड़ दिया था यूज़ करना और दोबारा से मेरे को क्रैक फीट होने लगे हैं. बट नाउ आई हैव स्टार्टेड यूजिंग इट अगेन और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है एंड आई वुड लाइक हाईली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट. देर आर फ्यू प्रोडक्ट विच आर लाइक आई कैन स्वेयर बाय कि ये प्रोडक्ट अच्छा ही वर्क करेंगे. सो या सो गाइज, इन केस यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.